क्वेश्चन नंबर आप बुक से 5 निकालिए. क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड और न्यू बुक का कुछ प्रॉब्लम रहेगा. अब जरा सम्स को ध्यान से आप को हम पढ़ रहे हैं आप समझिए. मिस्टर चटर्जी कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम. He wants to know the result of his business. देखिए कोई भी तो अपना बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहेगा ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो आपको लिखा हुआ है कि आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे दिया है. ओपनिंग डेट है, एक क्लोजिंग डेट है, कैश इन हैंड एसेट साइड में जाएगा, बैंक बैलेंस किधर जाएगा, एसेट्स में, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा और डेटर. तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे जहां पर कैश से लेकर डेटर को जो एसेट्स में जाएगा एसेट्स में लिख देंगे, जो लायबिलिटी में जाएगा उसको लायबिलिटी में लिख देंगे. पहला काम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. मिस्टर चटर्जी क्या लिखेंगे हम लोग बोलिए. कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन दो डेट है, एज ऑन 31st दिसंबर 12 एंड 31st मार्च 13. जैसे अभी हम लोग बनाए थे वैसे बनाएंगे. नया कोई काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, बैलेंस शीट बना रहे हैं, छोटा मोटा बात है. इधर में हम लोग एसेट्स लिखेंगे, इधर में हम लोग लायबिलिटीज लिखेंगे. आपके पास जो डेट है उसको देख लीजिए, दो डेट है, 31st मार्च 12, 31st मार्च 13, 31st मार्च 12 एंड 31st मार्च 13. अब एक एक करके जो एसेट्स में आएगा एसेट्स में लिख लो और जो लायबिलिटी में आएगा उसको लायबिलिटी में लिख दो. कैश इन हैंड को सिर्फ कैश लिखते हैं, 1500. बैंक बैलेंस को ओनली बैंक लिखेंगे, ओपनिंग में दिया हुआ है 7500 और क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है 8000. इसके बाद फर्नीचर, ओपनिंग में कितना दिया हुआ है 1000 और क्लोजिंग में भी 1000. इसके बाद स्टॉक है, ओपनिंग में है 5000 एंड क्लोजिंग में है 6500. लास्ट वन डेटर, ओपनिंग में है 2500 एंड क्लोजिंग में कितना है 3000. लायबिलिटी साइड के लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो क्या है बोलिए, क्रेडिटर है. और क्रेडिटर जो है ओपनिंग में 3500 है और क्लोजिंग में कितना है 4000 है. अब टोटल एसेट्स को ऐड करके क्रेडिटर को लेस करेंगे तो हमारे बैलेंस आ जाएंगे और उस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे. अभी आ जाएगा. सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्लोजिंग में कितना आ रहा है 1750. टू जीरो
250, ठीक है। इधर में हम लोगों ने लिख दिया, सिक्सटीन टू फिफ्टी, और 17,500 में अगर 3,500 जाएगा तो 14,000, दो बैलेंस आपको मिल गया। क्या सवाल हो गया? अभी सवाल नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग पहले यहां तक कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम सम्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ड्यूरिंग द ईयर दो कैपिटल आ गए, इसके बाद जब हम लोग क्या बनाएंगे, पीएल को क्या बोलते हैं, तो आप लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड। फॉर द ईयर एंडेड क्या लेंगे हम लोग, 31 मार्च 30। अभी फॉर्मेट बनाए थे ना आपका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान से सुनेंगे जी, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसके साथ आपको प्लस करना है क्या चीज का, ड्राइंग का, ठीक है। तो देखें सम्स में क्या है आगे, चलिए सब कोई सम्स पे ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग द ईयर आपको बता रहा है कि आपने कितने रुपया ड्रॉ किया है, 4,000, तो यहां पर आएगा फॉर हिज पर्सनल यूज एंड इन्वेस्टेड 3,500 एज एडिशनल कैपिटल, और आपने एडिशनल कैपिटल भी लगाया। फिर बोलता है कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक स्टेप तक ही आएंगे, ना हमको डिप्रिसिएशन दिया ना प्रोविजन दिया है, तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले आप लिखो क्लोजिंग कैपिटल, कितना है क्लोजिंग कैपिटल, 16,250, इसके साथ आप प्लस करेंगे, कितना दिया हुआ है सम्स के अंदर, 4,000। हम लोग 16,250 के साथ 4,000 को ऐड किए तो हमारा बाहर चला गया 20,250, 20,250। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब लेस करेंगे, क्या चीज में करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, कितना दिया हुआ ओपनिंग कैपिटल, 14,000, इसके साथ हम लोग एडिशनल कैपिटल जिसका एक नाम और भी है क्या, फर्दर कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,500, तो 17,500 हम लोग माइनस करेंगे और जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट हम लोग तब बोलते जब इसके नीचे और भी कुछ होता, क्या होता, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स एंड प्रोविजन ऑन करंट असेट्स, बट नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट 20,250 में से 17,500 हम लोग माइनस किए तो 2,750 आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग हर हाल में सबसे पहले कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, जहां से हम लोग का ये दो कैपिटल आ जाएंगे और उसको लेके फिर हम लोग तैयार कर सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? Yes, आ रहा है। तो फिर एक सवाल और बनाते हैं।